हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नाम निशान चाहर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मेक जीरोज। एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसमें हमें एक 2D एरे गिवन होगा। 2D एरे क्या होता है? तुम्हारा मैट्रिक्स होता है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें हम मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। इसमें थोड़ा ट्रैवर्सल वगैरह चीज़ें चेक करें, कुछ बाउंड्स वगैरह हमें चेक करने पड़ते हैं जब भी हम मैट्रिक्स क्वेश्चन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से नए हैं, तो उनको सीखने में ध्यान देंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड लाइक कर दो वीडियो को। टेलीग्राम चैनल तुम ज्वाइन कर सकते हो, गिटहब पे जाके तुम उसको स्टार कर सकते हो, वहाँ पे सारे कोड्स वगैरह आ जाते हैं। सो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है यार, यहाँ पे क्या गिवन है? तुम्हें एक मैट्रिक्स गिवन है एन क्रॉस एम का। योर टास्क इज टू मेक जीरोस, दैट मींस इन द होल मैट्रिक्स व्हेन यू फाइंड अ जीरो कन्वर्ट इट्स अपर लेफ्ट लोअर एंड राइट वैल्यू टू जीरो। ठीक है, बस यही करना है। जैसे हमने ये मैट्रिक्स लिया, कॉपी करते हैं सर। तो हमें एक मैट्रिक्स दिया है एन क्रॉस एम का। यहाँ पे क्या है, दोनों एन और एम दोनों फोर हैं, फोर क्रॉस फोर का हमें मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, हमें गिवन है कि यार जहाँ पे भी कोई एक जीरो आ रहा हो तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर वाले को, उसके राइट वाले को, उसके नीचे वाले को, उसके लेफ्ट वाले को हमें क्या कर देना है, जीरो कर देना है। एंड उस वैल्यू को क्या कर देना है, उसकी वैल्यू को कर देना है इन सबका सम, लेफ्ट प्लस राइट प्लस लोअर, ये कर देना मैं इस क्वेश्चन में। मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले एक जो अप्रोच में हम गलती कर सकते हैं, पहले तो मैं वो बताता हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, जाएंगे जहाँ पे भी जीरो आएगा उसके आसपास वालों को सबको चेंज कर देंगे, और फिर नेक्स्ट रूम में चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट में चले जाएंगे, और ऐसे करते करते हम पूरा करेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, बट जनरली जब हम ये करने बैठते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है। ठीक है, तो हम चलो कोई नहीं, यही पहले यही वाली चीज़ ट्राई करेंगे, फिर इसमें एक चीज़ हमें चेंज कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें पता है एरे में इंडेक्सेस ऐसे होते हैं, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो अगर कोई भी हमें एक एलिमेंट चाहिए, जैसे ये वाला एलिमेंट है, इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा 1, 1। ठीक है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। ठीक है, कॉलम रो कॉमा कॉलम होता है ना, तो एक्स कॉमा वाई। अब तुम खुद देखो, जब तुम्हें अपर लेफ्ट लोअर डाउन निकालना है तो अपर क्या होगा तुम्हारा, अपर होगा तुम अभी करंट वाई पे हो, तुम्हें ऊपर जाना है तो तुम्हें वाई माइनस वन करना पड़ेगा। तुम्हें राइट जाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस वन करना पड़ेगा। तुम्हें लेफ्ट जाना है तो x माइनस वन करना पड़ेगा, और तुम्हें डाउन जाना है तो y प्लस वन करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, और हमें ये सारी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि क्या y माइनस वन जो है वो तुम्हारा जीरो से छोटा तो नहीं चला गया है, जीरो या जीरो से इक्वल तो नहीं है। राइट में चेक करना होता है ये हमेशा n से छोटा है ना, फिर हमें अगर लेफ्ट में सेम चीज चेक करनी होती है ग्रेटर देन जीरो, ये राइट में ये m से छोटा है ना। ठीक है, n क्रॉस m हमारा मैट्रिक्स है, तो दिस इज योर रोज एंड दिस इज योर कॉलम्स, राइट। तो हमें ये सारी कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं, नहीं तो हमारा ना जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, और आउट ऑफ बाउंड जाने के बाद वो बोलेगा यार ये मेमोरी तो तुम्हारी है ही नहीं, तुम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हो, और हमें एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो हमने जो ये इतना समझा इसको कोड कर देते जल्दी से। हमें गिवन है मैट्रिक्स, हमने बोला इसका एन दे दो यार, हमें ऐसे निकालते हैं डॉट साइज से एन आ जाता है, मैट्रिक्स के कोई जीरोथ वाले का साइज से हमें रोज मिल जाता है। इसमें एक बार और चेक कर लेते कि हाँ, तो मिनिमम एक साइज का तो है ही, वन क्रॉस वन तो है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, ठीक है, सिमिलरली जे में भी ट्रैवर्स कर, मतलब हमें रोज में भी ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो हम यही करते हैं। इसमें भी आई कॉमा जे में करा ट्रैवर्स हमने। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है चारों को, बस ये देख लेना है, अगर तुम्हारा मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे जीरो है तो क्या करो, आसपास वालों को सबको ज़ीरो कर दो। ठीक है, तो पहले चेक करेंगे कि हमारा जो i प्लस वन हो रहा है, ठीक है, i प्लस वन अगर हम कर रहे हैं तो दैट शुड बी लेस देन n। ठीक है, फिर हमें चेक करना है कि जो तुम्हारा i माइनस वन कर रहे हैं दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सिमिलरली यही चीज़ हमें j के लिए करनी है, बस यहाँ पे जे को कर देंगे, यहाँ पे इनकी जगह एम हो जाएगा, यहाँ पे जे कर देंगे। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी होगी यार, नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, हमें उस वाले एलिमेंट को ज़ीरो कर देना, एंड जो सम हमें मैट्रिक्स के करंट वाले एलिमेंट को जो ज़ीरो है उसमें उनका ऐड कर देना, सबको सम कर देना। तो पहले हम वही करेंगे, मैट्रिक्स के आई कॉमा जे को हम ऐड कर देंगे इसमें हमारा मैट्रिक्स का आई प्लस वन कॉमा जे। ठीक है, इजी। बस उसके बाद इस वाले को हमें क्या कर देना है, इक्वल टू ज़ीरो कर देना,
सिमिलरली बाकी सब में भी यही होगा, जल्दी से कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया और हमें क्या करना है एंड में, कुछ नहीं करना, वो अपने आप मैट्रिक्स वगैरह रिटर्न कर देगा। अब इसको रन करके देखते हैं, रॉन्ग आंसर आएगा ठीक है पक्का पक्का। तो देखो एक्सपेक्टेड था ये ठीक है, और आया आउटपुट ये। अभी आउटपुट क्यों आया वो समझाते हैं। तो देखो हमें ये मैट्रिक्स गिवन था, तो हमें गिवन था, हमने क्या करा, इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया ठीक है। और यहाँ पर कर दिया 3 + 7 + 6 + 4, दिस इज 20 ठीक है, इसको तो हमने 20 चेंज कर दिया। फिर हम नेक्स्ट गए यहाँ पे ठीक है, जब हम ऐसे ऐसे ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे फिर हमें जीरो मिल गया, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम सेम मैट्रिक्स में चेंज कर रहे थे, तो यहाँ पे फिर से जीरो मिल गया। हमने अगर इसको भी जीरो बना दिया, इसको भी जीरो बना दिया, और इसको फिर से जीरो बना दिया, और यहाँ पे बस 4, 6 और ये 7 था, तो इसको यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी। फिर हम नेक्स्ट गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ आए 4 पे, तो ये 4 जीरो हो चुका था, तो इसने इसको भी जीरो कर दिया, ये पहले से जीरो था इसको भी जीरो कर दिया, इसको भी जीरो कर दिया ठीक है। फिर ये फिर से जीरो था, इसने इसको जीरो कर दिया। तो ऐसे कर करके तुम देखोगे कि हमारी ये सब एलिमेंट जीरो हो गए, और ये 50 वहाँ पे मतलब सम करके आ जाएगा, और हमें तो ये चाहिए नहीं था, हमें तो बस इनिशियल जो मैट्रिक्स है उसमें अगर कोई जीरो है तो उसके आसपास वालों को जीरो करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी जिसमें हम चेंज कर रहे होंगे, और बाद में उस कॉपी को वापस मैट्रिक्स कर देंगे, या फिर मैट्रिक्स में डायरेक्ट चेंज करते रहो और कॉपी से चेक करोगे कि यहाँ पे जीरो है कि नहीं है। तुम क्या करेंगे, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना देंगे टेम्प, और उसको बोल देंगे कि भाई इसको मैट्रिक्स की वैल्यू तो दे दे। बस हम यहाँ पे चेक करेंगे टेम्प में कि वो जीरो है कि नहीं है, उसके बाद जो काम कर रहे थे सेम करेंगे, अब रन करके देखते हैं। सही है, योर आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट दोनों सेम हो गए, इसको सबमिट कर देते हैं। हमारा रॉन्ग समीशन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया। अब हम ऐड तो मैट्रिक्स वाले एलिमेंट कर रहे जो चेंज हो चुके, हमें यहाँ पे जो ऐड करना है वो भी टेम्प वाली में से ऐड करना है ठीक है। कंपाइल करके देखते हैं, सही आंसर आ रहा है, अब सबमिट कर देते हैं, और अपना ये सबमिट हो गया है बढ़िया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अब तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऐसे मैट्रिक्स के थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे स्ट्रिंग्स, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह। सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दिस वीडियोज़, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।